गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं का सम संरेखीय है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कोऑर्डिनेट दिया है 3.5, 1.1 और तीसरा कोऑर्डिनेट है -2 और -5। सबसे पहले तीन बिंदु संरेखीय होते कहे, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसे मान लिया जाए कि एक रेखा पे तीन बिंदु यदि स्थित है ना, इसका कोऑर्डिनेट ए बी और सी तीन बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया कुछ भी। तो अगर मैं निकालूंगा ए बी, फिर मैंने निकाला बी सी और फिर मैंने निकाला ए सी, यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि दो छोटे दूरी का योगफल एक बड़े दूरी के योगफल के बराबर आ जाए, तो तीनों बिंदुएं क्या होगी, संरेख होगी, अन्यथा संरेख नहीं होगी। चलिए इसी चीज का प्रयोग करते हैं, हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, माना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7 का, माना कि ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया 3 और 5, बी जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 1 तथा सी जिसका कोऑर्डिनेट -2 और -5, किसी तल में तीन बिंदुएं स्थित है, किसी तल में तीन बिंदु स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो क्या हो गया, ए बी निकाल गए ना, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर और 5 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी सूत्र का आप जानते हैं, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √(x1 - x2)² प्लस y1 - y2² है ना। तो यहाँ से कितना हो गया, घट करके 2, यहाँ घट करके 4, 2 के स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 4 कितना हो गया 20। 20 से मैंने क्या लिखा था, 2√5, कैसे लिखा जी, आप ध्यान दीजिए, 20 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5। अब दोनों का अंडर रूट कीजिए, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, और रूट 5 तो रह गया ना, तो क्या हो गया 2√5 यूनिट। उसी प्रकार बी सी निकालते हैं, तो बी का कोऑर्डिनेट रखेंगे और सी का, तो 1 - -+2, तो 1+ कितना हो गया 2, फिर 1 - -+, तो 1+ कितना हो जाएगा 5, 2 × 1 = 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 × 6 = 6, 6 के स्क्वायर 36, 9 और 36 कितना हो गया 45, 45 को हम क्या लिखेंगे 9 × 5, रूट अंडर अगर करेंगे तो 9 से क्या निकल जाएगा 3, अंदर में कितना जाएगा √5, तो क्या हो गया 3√5 यूनिट। इसी प्रकार आप ए सी निकालिए, तो आप ए का कोऑर्डिनेट पुट कीजिए और सी का कोऑर्डिनेट पुट कीजिए, तो 3 - -+2, तो कितना हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5 हो जाएगा, 5 - -5, तो 5 कितना हो जाएगा 10, 5 के स्क्वायर 25, 10 के स्क्वायर क्या हो गया 100, तो 100 और 25 125 125 को हम क्या लिखेंगे, 125 बराबर क्या लिखेंगे 25 बचे 125। अब इसका क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए, तो क्या हो जाएगा 5√5, क्या हो जाएगा 5√5। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने लिखा ए बी प्लस बी सी, आप थोड़ा सा इसको देखिए, ए बी को देखिए, बी सी को देखिए, है ना, ए बी देखिए और बी सी देखिए, ए बी देखिए, बी सी देखिए, 2√5 और 3√5 कितना आ रहा है, 5√5 आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि AB प्लस BC बराबर दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, क्या आ गया 5√5 = क्या आ गया AC, यानी कि AB प्लस BC बराबर क्या आ गया AC, अतः दिए गए बिंदुएं क्या होगी, संरेखीय होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, अतः दिए गए बिंदुएं संरेखीय नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन से इसका और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 7 का 5 दिया गया है, तीन बिंदु दिया है 1.5, 2.3 और -2.-11, ये तीन बिंदुओं का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो कैसे बनाएंगे, सेम उसी प्रकार, माना कि बिंदु ए इतना, बिंदु बी इतना तथा बिंदु सी इतना, किसी तल में तीन बिंदुएं स्थित है। सबसे पहले हम ए भी निकाल लेते, क्या हो जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, कितना घट करके हो जाएगा -1, यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो कितना होगा 1 के स्क्वायर 1, ये 2 × 4√5 यूनिट आ गया। दूसरा फिर निकालते हैं बी सी, अब ध्यान बी और सी का कोऑर्डिनेट, तो 2 - -+2 हो जाएगा, फिर 3 - -+11 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 3 + 11 = 14, 4 के स्क्वायर 16, 14 के स्क्वायर 196 कितना आ गया 212, 212 को हम क्या लिखेंगे 53 × 4 = 212, तो कितना आ गया 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, इतना क्या आ गया यूनिट निकल गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एसी निकालेंगे, ए का कोऑर्डिनेट देखिए, सी का कोऑर्डिनेट देखिए, 1 और -2 कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3 और 5 - -+11, 11 + 5 कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया 3, 3 के स्क्वायर 9, 16, 16 के स्क्वायर 256, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 265, 53 + 2 = 265। अब हम क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी निकालते हैं, तो छोटे वाले को जोड़ते हैं ना, ए बी प्लस बी सी निकालते हैं, तो क्या आता है, नॉट इक्वल टू ए सी आता है, ए सी के बराबर
नहीं आता है, हम क्या कह देंगे, अतः दिए गए बिंदुएं जो है संरेखी नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यदि ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 6.1, बी 1.3 तथा सी 1.8 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें कंडीशन दिया है कि ए बी बराबर क्या दिया गया है, बी सी दिया गया। बस इसी पॉइंट का हम लोग प्रयोग करके क्या कर देंगे, एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, माना कि ए जिसका कोऑर्डिनेट 6.1, बी कोऑर्डिनेट 1.3 तथा सी कोऑर्डिनेट 1.8, तीन बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी सी ऑलरेडी दिया गया है। प्रश्न से हम लोग चलते हैं, क्या दिया है, ए बी बराबर बी सी। जब ए बी बराबर बी सी है इसलिए क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, क्योंकि हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, रूट अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट दोनों साइड खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दिए, दोनों साइड का रूट खत्म हो गया स्क्वायर करने से, फिर मैं क्या निकाल दूंगा, ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल देते हैं और बी सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 तो कितना 6 - 6 - 1 - 1 और 1 - 3 का होल स्क्वायर। फिर आप बी सी निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, बी सी आप निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, 1 - 1 - x का होल स्क्वायर और क्या निकालिएगा, 3 - 8 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर, यहाँ पे -2 के स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और यहाँ कितना -5 का होल स्क्वायर, 25 + 4 बराबर 1 + x² - 2x + 25, 25 और ये 25 कट जाएगा। अब ध्यान दें सभी को मैं क्या करता हूँ RHS में, क्योंकि मुझे x का वैल्यू ज्ञात करना है और x स्क्वायर को प्लस में रखना है, तो x² - 2x + 1 तो पहले से था, इस साइड से गया कितना -4 बराबर 0, क्या बचेगा x² - 2x घट करके -3। अब ध्यान दीजिए मुझे गुना करके लाना है -3 और घटा करके कितना लाना है -2, तो 3 इकाई 1 बराबर कितना होता है 3 और घट करके कितना आ जाता है -2। अब ध्यान दीजिए तो x² - 3x + 1 - 3 पर जोड़ दी, अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन कितना x, क्या बचा x - 3, यहाँ पर कितना कॉमन है +1, क्या बचेगा x - 3। अब ध्यान दीजिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 3 मैं कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया x + 1। जब लिखता हूँ x - 3 बराबर 0 तो x का मान 3, फिर लिखते हैं पुनः जब x + 1 बराबर 0 तो x का मान -1, अतः x का मान कितना आ गया 3 और -1। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन कितना इजी दिया गया है, बस सिर्फ थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं है। दिया गया है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं a प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बी प्लस आर साइन थीटा और a कॉमा b के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ a और इसको क्या मैं मान लेता हूँ b मान लेता हूँ, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। माना कि a का कोऑर्डिनेट कितना, ए आर कॉस थीटा कॉमा बी आर साइन थीटा तथा बी ए और बी किसी तल में दो बिंदुएं हैं। अब ध्यान दें सबसे पहले मैं ए बी निकालूंगा, तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको बोलता हूँ x1 तो ये क्या आपका हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दिए a से a तो कट गया तो क्या बचा, r cos थीटा का होल स्क्वायर, तो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b से b कट गया क्या r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर होगा दोनों पे स्क्वायर ना r स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं a * b पे पावर n होता है, तो a पे पावर n * b पे पावर n दोनों पे होता है गुना में ना, तो यहां क्या हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों में क्या है, r स्क्वायर कॉमन है, मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बच गया r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर से क्या होगा रूट अंडर से बाहर निकल गया, r क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, बराबर क्या हो गया r, चूंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, इसे मैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करूंगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। अतः दिया गया बिंदुओं के बीच की दूरी थीटा से क्या हुआ, मुक्त हुआ, क्योंकि दोनों बीच की दूरी कितना मैं लाया हूं, ओनली फॉर r यूनिट लाया, क्या लाया हूं r यूनिट, यहां जरूर लिख दीजिएगा r यूनिट लाया हूं, इसलिए इसमें थीटा नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, इधर आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड है ना प्रूव्ड। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्या दिया गया।
चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा में ब्रेक करके जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे है ना, लेकिन मैं इतना समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, और समझने की आप कोशिश कीजिएगा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, 10 का फर्स्ट में दिया गया है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि बिंदु कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमा जीरो जीरो कॉमा सेक स्क्वायर थीटा और एक एक संरेखा, यानी तीन बिंदु आपको दिया है, एक बिंदु दो बिंदु तीन बिंदु आपको दिया है। पूछ रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सत्यापित करें कि संरेखी है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते। क्या लिखा मैंने, माना कि ए का कोऑर्डिनेट कितना कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमा जीरो, बी का कितना जीरो कॉमा सेक स्क्वायर थीटा था, सी का कितना एक और एक, किसी तल में तीन बिंदुए हैं। अब ध्यान, सबसे पहले हम ए भी निकालेंगे, तो ए भी निकालेंगे तो क्या हो जाए, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बाय वन माइनस बाय टू का होल स्क्वायर का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक्स वन तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इधर जीरो घटेगा तो कोई फायदा होगा नहीं, वही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा कोसेक फोर थीटा प्लस सेक फोर थीटा। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला का यूज होगा उसको हम लोग प्रयोग करते हुए सीखते ही चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है। क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बटे साइन थीटा हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा, इसी का हम लोग प्रयोग किए। तथा दूसरा होता है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, एक बटे कॉस थीटा, इसी दोनों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको मैंने क्या लिख दिया, एक बटे साइन फोर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बटे कॉस फोर थीटा। अब ध्यान दीजिए, दोनों का एलसीएम हम लेते हैं, दोनों का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन फोर थीटा इंटू कॉस फोर थीटा, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा कॉस फोर थीटा इंटू साइन फोर थीटा। अच्छा, कॉस फोर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों पर पावर कितना है, चार चार है, तो वर्गमूल से कितना निकलेगा, दो दो निकल जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आपका दिया है ए स्क्वायर, अगर मैं इसको पूरा अंदर वाले को ए बोलूं और इसको मैं बी बोलूं तो क्या हो गया ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर। तो आप बताइए, एक फॉर्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। मैं इसी फॉर्मूला का प्रयोग कर रहा हूँ, ए ए के स्थान पे कितना था कॉस स्क्वायर थीटा, बी के स्थान पे कितना था साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, बटे में जो था वो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। आप इसे भी याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में प्रूफ करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, ये किसका मान निकल गया आपका, ए बी का वैल्यू ज्ञात हो गया, किसका वैल्यू ज्ञात हो गया, ए बी का। अब हम लोग इसी प्रकार ज्ञात करते हैं, ए बी ज्ञात करेंगे, अब बी सी हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, बी सी आप निकालिए, तो बी सी आपका बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट, तो जीरो माइनस एक का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो जीरो माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला यहाँ पर और है, क्या है फॉर्मूला, तो आप याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो अगर मैं इसको इस साइड कर दूं, इसको इस साइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी चीज का हम लोग प्रयोग कर दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया टेन स्क्वायर, और वन प्लस ये क्या हो जाएगा टेन फोर थीटा। अब फिर से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है। इस चीज का प्रयोग मैं आगे कर रहा हूं, क्या मैंने यहां लिख दिया है टेन स्क्वायर फोर को साइन फोर बटे कॉस फोर, क्योंकि होता है टेन बराबर क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ध्यान दें, इसके बटा में कुछ नहीं, कितना है एक है, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस फोर थीटा हो जाएगा, ये आपका चला गया इधर, तो क्या हो गया कॉस फोर थीटा, इधर पहले से क्या था साइन फोर थीटा बटे कॉस फोर थीटा, कॉस फोर थीटा क्या निकल जाएगा रूट अंडर से निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए,
अब मैं फिर इसको जैसे मैं यहां बनाया था, जैसे मैं यहां बनाया था यहां से, है ना, सेम वही कार्य करते हैं। यहाँ क्या cos 4 देखो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, sin 4 को क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर a कहेंगे तो इसको b कहेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे में क्या था cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दे इसका वैल्यू क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, बटे में क्या हो गया रूट अंडर से बाहर निकला हुआ है cos स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो पहले से था ना, ये तो फॉर्मूलाज में बताया था। इस किसका मान आपका निकल गया, बीसी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसी प्रकार हम एसी का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए ए का कोऑर्डिनेट कितना है cosec स्क्वायर थीटा 0, और सी का वैल्यू कितना 1 और 1, तो क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 होगा, ये होगा ना रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर से ध्यान दीजिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे हमको हम लोग पढ़ेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप ध्यान दीजिए cosec स्क्वायर थीटा 1 को मैं इधर कर देता हूँ तो माइनस 1, cot को उधर कर देता हूँ तो बराबर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसका प्रयोग कर देंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना करेंगे cot स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे cot स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, या cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा / sin थीटा, cos थीटा / sin थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे cos 4 थीटा बटे sin 4 थीटा प्लस 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा sin 4 थीटा हो जाएगा, sin पावर 4 थीटा। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो जाएगा cos 4 थीटा, ये तो पहले से था जो इधर चला गया, प्लस sin पावर 4 थीटा। अब ध्यान दीजिए फिर इसको मैं जैसे यहां पे किया या यहां पे किया सेम उसी कार्य से मैं करूंगा, इसको क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हो गया। नीचे इसका क्या निकल गया वर्गमूल क्या निकल गया sin स्क्वायर थीटा, फिर इसको क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा * cos स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब ध्यान दीजिए ये तो बाहर निकला हुआ, अब इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, माइनस कितना 2 sin स्क्वायर थीटा * cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखिए ध्यान देंगे अब क्या करेंगे हम लोग आगे, अब ध्यान क्या करेंगे BC प्लस AC को जोड़ देंगे, BC प्लस AC को जोड़ देंगे और ला करके दिखा देंगे किसके बराबर AB के बराबर, क्योंकि AB बड़ा है, अगर दोनों बराबर आ जाता है तो हम क्या कह देंगे दोनों बिंदुएं तीनों बिंदुएं क्या है संरेखीय। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे, चलिए ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे फिर BC प्लस AC निकालेंगे, दो छोटे को जोड़ेंगे, BC का वैल्यू कितना दिया था 1 माइनस 2 रूट अंडर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा * cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, प्लस AC का वैल्यू कितना था रूट अंडर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा * cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए ऊपर ऊपर दोनों में कुछ कॉमन है कॉमन, मैंने क्या लिया दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचा 1 बटे sin स्क्वायर, ये तो जैसे था वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा * sin स्क्वायर थीटा, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो जैसे था वैसे लिख दिए। अब ध्यान दिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, नीचे क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा * sin स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या करूंगा इसमें गुणा करें तो क्या बच गया, तो जैसे था वैसे लिख दिए रूट अंडर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा * sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये गुणा में है, ये किसके बराबर आ गया आपका AB के बराबर आ गया, अतः दिए गए बिंदु क्या है संरेखीय, है ना। थोड़ा सा ये लंबा था है ना, क्योंकि sin और cos पे था तो इसमें ब्रेक ज्यादा करना पड़ा, वीडियो को थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ना, बहुत अच्छी भाषा में मैं समझाया हूँ, हल्का भाषा में समझाया हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपका लिंक आपके पास तुरंत पहुंच जाए और उसका फ़ायदा आप उठा सकें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट्स करें अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो कमेंट्स करें। चलिए हम लोग देखते हैं इसका दो नंबर 10 का 2 देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिए 10 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3,3 उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदुओं 6,2, 0,4 और 4,6 से जाती है, वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझिए, आपका एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O दिया है, है ना, जिसका मैंने क्या माना है 3,3 है, इसका केंद्र कर दिया मग दिया है,
बिंदु, तीन बिंदु है, ए है, बी है, सी है, जो इससे होकर के जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, परिधि पर का ना बिंदु है, ये केंद्र है, तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यदि सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर, मैं निकाल लूंगा OA का मान, OB का मान, OC का मान। अगर OA बराबर, OC बराबर, OB बराबर, तीनों आ जाता है, मान बराबर आता है, तो हम क्या कह देंगे, वो जो है जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 3 है, वो क्या है, इस दिए गए वृत्त का क्या है, केंद्र है। एक बात और आप याद रखिए कि 3 असंरेख बिंदु से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। खैर वो हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री हम सर्कल का ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। माना कि वृत्त COR, एक वृत्त है जो क्या है COR, यानी कि सर्कल जिसका रेडियस R है और सेंटर क्या O है। बिंदु ए, ए का कितना दिया गया 6.2, बी कितना दिया नियामक 0.4, सी का नियामक कितना दिया 4.6 होकर गुजरती है, जिसका केंद्र O का वैल्यू कितना दिया गया, कोऑर्डिनेट कितना दिया 3.3 है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, OA, OA निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, OA निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर क्या आ गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस 1, पर कितना 3 * 9 + 1 √10 यूनिट आ गया, यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। फिर ओ भी मैं निकालता हूं, तो ओ भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 3 - 0 √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर। क्या लिखा, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर। आप यहां से भी लिख सकते हैं, है ना, यहां से भी लिख सकते हैं, तो कितना होगा, 3 के स्क्वायर - 1 के स्क्वायर, 9 + 1 = 10 √10 यूनिट। उसी प्रकार हम क्या निकाल रहे हैं, उसी निकाल रहे हैं, 3 - 4 √3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर प्लस - 3 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, 1 + 9 √10 क्या हो गया, 10 यूनिट आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने क्या निकाला है, OA निकाला, OB का मान OA निकाला, फिर OB निकाला और OC निकाला, तीनों का मान क्या आ रहा है, √10 यूनिट। तो क्या लिख देंगे, चूंकि OA बराबर, OB बराबर, OC बराबर, √10 यूनिट। अतः O जिसका केंद्र कितना दिया, नियामक दिया कितना दिया 3.3, वृत्त का केंद्र है। फिर हमें पूछा था त्रिज्या, तो आप बताए त्रिज्या कौन कौन था, OA था, OB था, OC, ये तीनों त्रिज्या है ना, तो बताए त्रिज्या OA बराबर कितना हो गया, √10 यूनिट। बहुत आसान क्वेश्चन था, चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें कह रहा है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस नंबर 11, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बहुत ही क्वेश्चंस है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बिंदु x, y, बिंदु 2.3 और 6, -1 से समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए, हमें यहां पर क्या दिया गया है, एक बिंदु P ऐसा बिंदु है, एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y दिया है। बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, बिंदु B का कोऑर्डिनेट कितना है, 6 - 1 है। तो ये दोनों जो बिंदु है, बिंदु P से क्या है, समान दूरी पर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, माना कि बिंदु A कोऑर्डिनेट दिया गया 2, 3, बिंदु B 6, -1, बिंदु P x, y से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब A से P की दूरी और B से P की दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। प्रश्न से क्या दिया, AP बराबर BP से क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला AP का होता है √√2 करेंगे, √√2 खत्म हो गया, तो क्या हो गया, x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। AP के निकालेंगे ना, AP से, इस दोनों से, है ना, AP से दूसरा BP से, तो x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। ये A प्लस B का होता है प्रो दिए, a² + b² - 2ab, इसको भी a² + b² - 2ab। ये आपका क्या, ध्यान दीजिए इसको आप थोड़ा सा समझ लिए, -1 - y के होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हम करेंगे a² + b² + 2, a का मान -1, b का मान -2, तो 1 के स्क्वायर 1, यह हो जाएगा y² + ये -, क्या हो जाएगा +2y, वही चीज आ जाएगा ना। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी दोनों माइनस में रहेगा तो वो a + b² के बराबर होता है। अब यहां से क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए, पहले से था 4x, पहले y² को x² कट गया, अब ध्यान दीजिए -4x पहले से था, उधर से लाए, माइनस में 12x, इधर हो गया प्लस में 12x,
माइनस छः एक्स पहले से था, उधर से लाए प्लस में टू एक्स, इधर हो गया माइनस में टू एक्स। अब ध्यान दिए, पहले से आर एच एस में क्या है, छत्तीस प्लस वन, छत्तीस प्लस वन, इधर क्या है प्लस फोर और माइनस फोर, सॉरी प्लस फोर और प्लस नौ, दोनों जाएगा उस साइड, क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा माइनस में, इधर कितना हो गया आठ एक्स, बारह में से चार गया, आठ एक्स प्लस में छो दू आठ, आठ बाई माइनस में, और छत्तीस एक सैतीस, सैतीस सैतीस, छत्तीस एक सैतीस, कुछ गलती हो रहा है नहीं, चलिए छत्तीस आठ चार बारह बारह, यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है ना, छत्तीस एक सैतीस, सैतीस आइए कितना हो गया नौ चार तेरह हो गया ना, सैतीस में से तेरह आप घटा दीजिए कितना बचेगा, चार बच जाएगा, यहाँ पे दो बचेगा, चौबीस बचेगा ना, बत्तीस नहीं बचेगा, कितना बचेगा चौबीस बचेगा, ट्वेंटी फोर बचेगा आपका, कितना बचेगा ट्वेंटी फोर, तो कितना हो गया आठ तीय के चौबीस, एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया थ्री आ गया। मुझे यही ज्ञात करने कह रहा था कि एक्स और वाई में आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए संबंध को, ज्ञात कीजिए कि एक्स और वाई में क्या संबंध आता है ना, तो एक्स और वाई में मेरा संबंध कितना आ गया, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया थ्री आ गया, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया थ्री आ गया। ग्यारह का दो नंबर आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है ग्यारह का दो आप बना लीजिएगा। चलिए हम लोग रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर बारह सेम उसी प्रकार से है, फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।